हेलो एवरीवन, स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ निशान शर्मा। डेपुटेशन की जो हम सीरीज लेके आए हैं उसमें हम एक और वीडियो लेके आए हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज उसी के अंदर हम इस जो पोस्ट है उसकी PDF डालने वाले हैं। अगर उसमें कोई लिंक आया है जहाँ पर आपको जाके अप्लाई करना है, वो लिंक भी हम उसी पर डालने वाले हैं। तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से, प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। हाँ जी, तो डेपुटेशन की इस सीरीज़ में एक वीडियो हम और लेके आए हैं। आज की जो पोस्ट है वो बहुत बेहतरीन पोस्ट है। पोस्ट का नाम है इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर। और कहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है? पोस्टिंग होगी रेलवे बोर्ड में। तो अगर आप इंडिया के किसी भी किनारे पर हो और घर आपका दिल्ली के आसपास है तो इससे अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। इस पोस्ट की अगर हम बात करें, 25/7/2024 का लेटर है। यूजुअली जो भी डेपुटेशन की पोस्ट आती है वो जब नोटिफिकेशन आता है उससे लगभग 30 डेज, नहीं तो 45 डेज, ये नॉर्मली लिमिट देते हैं वो, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। हम पहले बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल हैं और फिर हम बात करेंगे कि क्या आपकी सैलरी में क्या इंक्रीमेंट आएगा, फिर बात करेंगे कि कितने टाइम का टेन्योर है इसका, क्या क्या कंडीशन हैं, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, सब पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस नोटिफिकेशन को अगर आपको PDF अगर आपको डाउनलोड कर रही हो, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई लिंक है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमारी एप्लीकेशन है, आप उस पर भी जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डेपुटेशन की पोस्ट आती है तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा। तो देखिए, ये जो पोस्ट है, पहली बात तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है हम उसकी बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने बोला कि इन ऑर्डर टू फिल अप एक्स कैडर पोस्ट ऑफ 2 अकाउंट्स इन Level 7 एंड Level 8 ऑफ पे मैट्रिक्स इन विजनेस डायरेक्टरेट रेलवे, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू होल्ड ए सिलेक्शन फॉर फॉर्मिंग ए पैनल ऑफ 2 कैंडिडेट्स इन Level 7 एंड 2 कैंडिडेट्स इन Level 8। तो Level 7 के अंदर कितनी आई हैं? 2 पोस्ट आई हैं। और वैसे ही Level 8 के अंदर कितनी पोस्ट आई हैं? 2 पोस्ट आई हैं। तो टोटल 4 पोस्ट के लिए आई हैं। इन्होंने क्या बोला, अकाउंट्स असिस्टेंट वर्किंग इन Level 6 वो एलिजिबल है इसके अंदर Level 7 के अंदर, और स्टाफ वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ Senior SO सीनियर ISA सीनियर TIA इन Level 8 ऑन रेगुलर बेसिस एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ Level 8। तो Level 7 के लिए तो Level 6 में जो काम कर रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट वो एलिजिबल है, और Level 8 के अंदर वो सब लोग एलिजिबल हैं जो Senior SO सीनियर ISA या सीनियर TIA, ये तीनों जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। द स्टाफ शुड हैव कम्प्लीटेड 5 साल पूरे होने चाहिए 30/6/2024 के हिसाब से बोले तो 30 जून 2024 में आपके 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। स्टाफ हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स इन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल रेलवेज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, हाउएवर इफ दे आर कंप्लीटेड सफिशिएंट कूलिंग ऑफ पीरियड। याद रखना, विजिलेंस का एक रूल रहता है, विजिलेंस में आप एक बार अगर काम कर लेते हो तो उसके बाद एक कूलिंग पीरियड आता है, वो कूलिंग पीरियड के बाद आप वापस से उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये यूजुअली 2 ईयर्स का रहता है, ठीक है। अगर मान लो आपने 5 साल कंप्लीट किया, फिर 2 साल का कूलिंग पीरियड लिया, फिर आप 5 साल के लिए वापस से काम कर सकते हो। तो अगर आपके वो 2 साल का कूलिंग पीरियड काम पूरा हो गया तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। द स्टाफ शुड हैव साउंड इंटीग्रिटी, ये तो ठीक है, अच्छा लड़के रहते ही हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एक रिटन एग्जाम होगा, 60% मार्क्स लाने जरूरी हैं, विजिलेंस एप्टीट्यूड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट रहेगा। टेन्योर जो है वो 3 साल के लिए टेन्योर है और 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो काम अच्छा रहता है तो 5 साल तक तो बहुत आराम से बढ़ जाता है, कोई आपको हटाना नहीं चाहता, बिकॉज आप इतना काम सीख चुके होते हो, आपको हटाएंगे नया आदमी लाएंगे तो वो एक डिपार्टमेंट को भी सिरदर्दी वाला काम रहता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द एलिजिबल वॉलंटियर शुड बी ड्यूली फाइल्ड बाय, अब ये अच्छे से पढ़ लेना यार, आप देखो अच्छे से आप पढ़ लेना इसको। इसमें क्या है आपको, आपका देखो एक तो DR लगेगा इसके अंदर, विजिलेंस लगेगा इसके अंदर, आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन होगा। हमेशा मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आप किसी भी डेपुटेशन के लिए अप्लाई करो तो एक लेटर को अपने हाथ से लिखो, उसके नीचे जो फॉर्म है ये दिया होगा वो फॉर्म भरो, उसके नीचे एडवर्टीजमेंट लगाओ, और ये तीनों लगाने के बाद आप अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से साइन लो, और उसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट को भेज के एक NOC, मतलब मैं जाना चाहता हूँ और मेरे को आप मेरी फाइल को फॉरवर्ड करो, मेरे को NOC प्रदान करो, ये ज़रूर आप करवाना, बिकॉज होगा क्या, वरना आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पता लगेगा आपके डिपार्टमेंट से आपने NOC अप्लाई नहीं की और वो आपको छोड़ ही नहीं, आपका कंट्रोलिंग इंचार्ज बोल रहा है, आपके सीनियर DFM बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे पास आदमी की रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो पहले अगर NOC दी होगी तो वो आपको कंसीडर भी करेंगे, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है, 27 अगस्त तक है, 27 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये इसका लिंक है, ये लिंक और ये PDF ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो जाइए
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके इसको अप्लाई कीजिए। ये फॉर्म है, फॉर्म में कुछ नया नहीं है, नाम है, पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, जोन है, लेवल आपका, डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट की डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस, कुछ अगर आपने इससे पहले कुछ काम किया है तो, अगर विजिलेंस इंस्पेक्टर में आपने पहले काम किया तो उसके बारे में डिटेल, मोबाइल नंबर, आपका साइन आएगा और ये ऑफिस के लिए है। ये आप फॉर्म भर के दोगे, बाकी काम ऑफिस वाले खुद करेंगे, ठीक है। एक बार आप देखो इसके अंदर ना, आपकी इस डेप्यूटेशन की पोस्ट में अप्लाई करने में ना तीन लोग बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। एक तो आपका सुपरवाइजर, एक आपका डीलिंग क्लर्क और एक आपका कंट्रोलिंग इंचार्ज, ठीक है। तो ये तीन लोगों के आप टच में रहोगे तो आपका काम बराबर हो जाएगा। सुपरवाइजर फाइल को फॉरवर्ड करेगा, डीलिंग क्लर्क पूरी फाइल को मॉनिटर करेगा जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट में आपका रहता है, और थर्ड नंबर पे कौन आता है आपका, आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो कंट्रोलिंग आपका इस केस में तो सीनियर डीएफएम है, बिकॉज अकाउंट्स की पोस्ट चाहिए। तो जाइए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए। धन्यवाद, जुड़े हैं स्टडी कीड़ा से।